हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई द बॉयज सीजन 2। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए रिव्यू करते हैं द बॉयज सीजन 2। अगर सीजन 1 इतना शानदार बना हो तो ऑलरेडी सीजन 2 की नहीं एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ ही जाती हैं, और सीजन 1 की तरह ये सीजन भी लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। प्लॉट कुछ इस तरह है कि जिस तरह सीजन 1 में बॉयज़ की टीम ने सुपर हीरोज़ की टीम को बजाया, उसी तरह अब सुपर हीरोज़ की टीम बॉयज़ की टीम का वेट कर रही है उनको ठोकने के लिए। इस बीच बॉयज़ टीम के कैप्टन बिली बूचर कहीं गायब हैं, जिनका आता पता किसी को नहीं। और सुपर की टीम में एक और सुपर की एंट्री होती है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, जिसके आने से सुपर की टीम पूरी तरीके से बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग फ्रेंड को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि वो किसी से भी नहीं डरती, यहाँ तक कि होमलैंडर को भी वो कुछ भी नहीं समझती। और एक तरफ ब्लैक नोवान जो कि मिशन पर निकला है बिली बूचर को मारने के लिए। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में कैरेक्टर को काफ़ी डेवलप करके प्रेजेंट किया गया है। और पूरी कहानी क्या है, क्या सुपर हीरोज बॉयज़ से बदला ले पाते हैं या बॉयज़ पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी उन पर हावी पड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी द बॉयज़ सीजन 2, जिसके लिए आपको सीजन 1 देखना तो कंपलसरी है ही। एक्टिंग की बात करें तो यहाँ होमलैंडर सबसे आगे निकलते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, गुस्सा सब अलग ही देखने को मिलता है। और यूई के कैरेक्टर को यहाँ पे काफ़ी अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो कि बॉयज़ की टीम को बिल्ली के बिना आगे बढ़ाना चाहता है। डायरेक्शन की बात करें तो वो पिछले सीजन की तरह यहाँ पर भी शानदार है। अब इस वेब सीरीज़ की तारीफ तो बहुत कर ली, कुछ निगेटिव पॉइंट्स के भी बात कर लेते हैं। इस सीज़न का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इसका पेस, जो कि सेकंड एपिसोड से लेके फिफ्थ एपिसोड तक इतना स्लो है जो आपको पूरी तरीके से बोर कर देता है। पेस इतना स्लो रखा गया है कि आपको पूरी वेब सीरीज देखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना होगा, लेकिन सिक्स्थ एपिसोड से पेस इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि ज़बरदस्त वायलेंस और ज़बरदस्त एक्शन देखते ही बनते हैं। मेरे हिसाब से यूनिक कंसेप्ट पे बनी, ज़बरदस्त एक्टिंग, एक्शन और हद से ज़्यादा वायलेंस से भरपूर। मेरी फाइनल रेटिंग रहेगी सीजन 2 के लिए 5 out of 3 स्टार। 2 स्टार मैं माइनस करूंगा इसके स्लो पेस के लिए। ये सीजन 2 आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सीजन 2 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।